स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल हुई सुष्मिता देव। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी रहे मौजूद। आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको कोलकाता से दे रहे हैं, जहां सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया है। असम के सिलचर से लोकसभा सदस्य रही हैं सुष्मिता देव। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां अब त्रिपुरा की पार्टी प्रभारी बन सकती हैं सुष्मिता देव। बड़ी जानकारी, सुष्मिता ने 15 अगस्त को सोनिया गांधी को भेजा था इस्तीफा। सुष्मिता देव ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल हुई हैं सुष्मिता देव। बड़ी जानकारी, सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी इस दौरान रहे मौजूद। टीएमसी में शामिल हो चुकी हैं सुष्मिता देव। सुष्मिता ने 15 अगस्त को सोनिया गांधी को भेजा था इस्तीफा, और उसके बाद अब उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया है। असम के सिलचर से लोकसभा सदस्य रही हैं सुष्मिता देव, और त्रिपुरा की पार्टी प्रभारी बनाई जा सकती हैं सुष्मिता देव। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, जहां सुष्मिता ने 15 अगस्त को सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा था और अब कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो चुकी हैं। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।